इस दिन जो भगवान भोलेनाथ हैं इनका शिवलिंग जो ज्योतिर्मय स्वरूप था, ज्योतिर्लिंग के रूप में ये धरती पे इनका अवतार या प्रादुर्भाव हुआ था, ये लिंग रूप में आए थे और विश्व के कल्याण के लिए। आज जो आपके चैनल से मैं सभी देशवासियों को और समूचे विश्व को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो शिवरात्रि है ये भगवान भोलेनाथ का एक परम पवित्र पावन दिवस है। ये इसकी सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे आपने पहले कहा कि आज शबे मिराज और शिवरात्रि एक दिन आई हैं, तो समझ लियो कि भगवान की हमारे पे अपार कृपा जो है वो बनी हुई है। इसलिए और भगवान की कृपा ये भी बनी है कि जो जो महामारी पहले आई COVID-19, जहाँ ये यूक्रेन में जो ये उपद्रव इत्यादि हो रहे हैं, भगवान हमें इनसे निजात दिलाए और इनसे हमें सुख शांति मिले, सारा विश्व सुखी रहे, सारा हर तरफ मंगलमय जीवन आप व्यक्ति का बना रहे और भगवान की असीम कृपा हमारे सम पे बनी रहे। आज सुबह 3:30 बजे से लेकर कोई तकरीबन 9 बजे तक जो है वो रुद्राभिषेक और हवन इत्यादि हुआ। उसके बाद ये हमारा ये अन्न क्षेत्र ये चल रहा है, ये शाम सायं तक जब तक एक भी व्यक्ति यहाँ से खा के नहीं जाएगा तब तक ये चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग यहाँ आएँ और भगवान की कृपा का पात्र बने। आज ये महाशिवरात्रि का एक सुनहरे पर्व पर मुझे शंकराचार्य मंदिर में आने का अवसर मिला और मैं बहुत खुशनसीब हूँ इधर के यहाँ पे आज मुझे माथा टेकने का इस ये अनुभव प्राप्त हो रहा है। आज मुसलमानों का भी त्यौहार है, तो सुबह सुबह उठ के 6:30 बजे जब पहली नमाज होती है, मैं उठ के सुबह सबसे पहले हज़रत बल गया हूँ, वहाँ पे जो दीदार करके मैं सीधा वहाँ से यहाँ पे आया हूँ आज माथा टेकने के लिए। तो मेरे लिए ये अवसर बहुत ही शुभ है और बहुत ही खुशनसीब हूँ मैं जो कि दोनों बहुत बड़े ऐसे हज़रत बल और शंकराचार्य के दर्शन मुझे आज के एक ही दिन हुए। सो आई एम सो थैंकफुल टू द यू नो दिस मोमेंट टू भगवान अल्लाह, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आज महापावन पर्व है जो महाशिवरात्रि का, उसके दर्शन के लिए हम आए हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर वातावरण है आज, हमारे को प्रभु की कृपा है, सुबेर से धूप निकली हुई है और यहाँ पे जो CRPF की बटालियन है उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। सारे यात्रियों को आने के लिए कोई असुविधा नहीं हो रही और दर्शन के बाद इन्होंने एक भंडारे का भी प्रोविज़न रखा हुआ है कि जो यात्री आए जो यहाँ पे वो दर्शन करके अपना भंडारा करें। और ये बहुत एक ऐतिहासिक हमारी धरोहर है जिसको इन्होंने संजो के रखा हुआ है। यहाँ कश्मीर में काफ़ी बारी वातावरण ख़राब हुआ पर J&K गवर्नमेंट ने इस धरोहर को संभाल के रखा है।